Hello students, in this particular class we are going to discuss about certain practical problems on union and intersection operations. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, सेट्स देखा, सेट की डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज है, डिफरेंट ऑपरेशंस है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना, ये जितने भी ऑपरेशंस है वो हमने देखे, उनके लॉज देखे. अब हमें क्या करना है, हमने जितना अभी तक जो भी डिस्कस किया है, फॉर्मूला, लॉज, ओके, ऑपरेशंस, ठीक है, वेन डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व व्हाट सम ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. और अभी आपको समझ में आएगा कि सेट्स का एक्चुअली एप्लीकेबिलिटी क्या है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे. ठीक है, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, ओके, सिग्निफिकेंस इसका समझ में आएगा. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट व्हेन आई से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, सो बेसिकली इट इज रिवॉल्व अराउंड व्हाट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ठीक है, तो हम पहले प्रॉब्लम से पहले हम समझते हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, कि उन फिर उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और जो अपने यूनियन इंटरसेक्शन के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है, देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी, हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, हम लिखते हैं लेट अस सपोज ए माइनस बी. ठीक है, तो इनमें हम क्या कहते हैं, इनको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिखते हैं इसको, x such that something something something, है ना. So what is this s, this is the element of this set, correct. तो जब हम लिखते हैं कि भाई element, तो अभी तक हम क्या कह रहे थे, element. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, number of elements calculate करेंगे. ठीक है, तो number of elements के लिए representation कैसे होता है, n of a union b, n of a intersection b, where ये जो n होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, number of elements इन ए यूनियन बी. ठीक है, अभी तक हम बोल रहे थे एलिमेंट्स है x, बट अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया दैट आई वांटेड टू शो यू. ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं एंड देन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू सम न्यू फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, तो लेट अस सपोज कि यू हैव टू सेट्स ए एंड बी, एंड व्हाट काइंड ऑफ सेट्स आर दे, finite sets. Finite sets का मतलब क्या होता है कि जिसके जो elements है वो countable है ना, याद रखना. Finite sets का मतलब क्या होता है कि वो countable है ना. मैं लिख देता हूँ a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, b is equal to 1, 2. तो इसमें क्या है, count कर पा रहे हो कि इतने number of elements है. तो a और b क्या है, finite sets. अगर मैं कहता हूँ कि if a intersection b is equal to 5, अब a intersection b 5 का मतलब क्या होता है, a intersection b 5 का मतलब होता है कि there are two sets a and b, और a और b के बीच में जब हम intersection कर रहे हैं तो मुझे ये पता चला है कि there is no common element. तो since there is no common element, तो mathematics में class 11 से हम जब पढ़ना चालू करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं हो सकता, उसकी जगह पर null होता है या phi होता है, है ना. तो इसका मतलब, phi का मतलब क्या है कि there is no common element between a and b, है ना. तो इसके केस में क्या है, I can specify number of elements in a union b to be equal to number of elements in a plus number of elements in b. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो बातें, ठीक है, दो बातें समझो. पहली बात क्या समझना है कि यहाँ पे हम लोग number of elements a union b निकाल रहे हैं, तो भाई अगर कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, जैसे कि अगर हम वेन डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें एक ए है सेट, एक बी है सेट, है ना, और देयर इज नो कॉमन एलिमेंट. ठीक है, बी इज डिफरेंट, ए इज डिफरेंट. इसके केस में अगर मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना, तो इसके केस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके कैलकुलेट कर लो और इसके कैलकुलेट कर लो और उसको प्लस कर दो. ठीक है, क्योंकि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट. तो इसके केस में क्या हो गया, आपका ये जो है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी इज 5, इन दैट केस दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, दैट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी is equal to number of elements that is present in A plus number of elements that are present in B. This is your first formula. Fine. अब एक note यहाँ पे ले लो. इसका मतलब क्या होता है? ठीक है? Note यहाँ पे हम समझ लेते हैं. पहला note. हमें क्या समझ में आया कि जो जो ये जो expression है,
एक्सप्रेशन इन वन, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइदर इन ए और इन बी, समझे? तो आइदर और जो हम प्लस यूनियन होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइदर और, ठीक है, आइदर इन ए और इन बी, इससे हम लोग यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इन्हीं को कैच करोगे तो उनके बेसिस पर फिर आप जो है ना उसको मैथमेटिकल ये सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाओगे, उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे। तो अगर हम लोग वन को लेते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लेते हैं, तो इसके इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ, करेक्ट है ना? So, either in A or in B, but not in both. Because क्या है, दोनों का अगर जो हम लोग इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, null set, ठीक है? इसके साथ हम लोग के पास एक सेकेंड फॉर्मूला आता है। What is this second formula? कि n of A union B will be equal to n of A plus n of B, ठीक है, minus n of A intersection B, ठीक है? इसको हम लोग जो है एक्चुअली ये क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग, कि अगर मुझे ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, तो पहले आप वेन डायग्राम से समझ लो, फिर मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू समझाऊंगा, डेरिवेशन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास एक यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, अब मुझे अगर क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ए हो गया, दिस पार्ट इज बी, मतलब लेट्स कलर इट एंड अंडरस्टैंड, जो ग्रीन कलर्ड है, व्हाट इज दिस, ए, ओके, एंड दिस रेड कलर इज बी, फाइन, एंड जो आप इन बिटवीन येलो कलर देख रहे हो, व्हाट इज दिस येलो कलर्ड पोर्शन, सो दिस येलो कलर्ड पोर्शन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूं ए और बी दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं, और मैं ये नहीं बता रहा हूं, पहले पहले वाले जो फॉर्मूला था उसमें मैंने बता दिया था कि भाई दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो देखो इस वेन डायग्राम में कहीं भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट, तो उसको कैसे आप डिनोट करोगे, ए और बी के एलिमेंट्स यूनियन निकाल के कैसे करोगे, जितने ए में है उसको प्लस जितने बी में है उतने एलिमेंट्स को प्लस कर दो, और ए में जितने थे बी में जितने थे उसको प्लस कर दिए। अब ए और बी में तो ये जो येलो पोर्शन है वो भी तो आएगा ना, तो आप क्या करो कि ए इंटरसेक्शन बी को उससे माइनस कर दो, सो दैट्स हाउ यू गेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, ओके। आपने क्या किया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने थे बी में कितने थे प्लस कर दिए, दोनों को प्लस करने के बावजूद क्या निकलेगा, कुछ कॉमन एलिमेंट भी निकलेंगे ना, तो जो कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे उसको आप माइनस कर दो, ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा, आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, ठीक है, तो मैं जब यूनियन बोलता हूं तो इट इज व्हाट और, एंड इंटरसेक्शन बोलूंगा तो इट विल बी एंड, ठीक है, तो ये ऑलवेज यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं, हमने तो इसको किससे समझ लिया, हमने वेन डायग्राम से समझ लिया, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि भाई आपको भी क्वेश्चन आएगा ना, ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, वेन डायग्राम तो ठीक है बट, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, कि जो हमने ऑपरेशन सीखे हैं उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा जब मैं डिफरेंस हम लोग पढ़ा रहे थे आपको, तो उस समय एक पॉइंट आपको बताया था, सो लेट्स डिराइव, ठीक है, लेट्स सी द डेरिवेशन। तो जिस समय मैंने आपको डिफरेंस बताया था, उस समय मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था, कि a माइनस बी, फाइन, a माइनस बी एंड a इंटरसेक्शन b, ठीक है, एंड b माइनस a, दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो अभी देखो इसके, इसको अगर और अच्छे से समझना है कि भाई ये कैसे डिसजॉइंट सेट्स होता है, क्या होता है, तो जो डिफरेंसेस वाला सेट का जो वीडियो है ना उसको देख लो एक बार, उसमें अच्छे से प्रॉब्लम आपको बताया गया है, मतलब एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो व्हाट इज ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी करोगे, या ए इंटरसेक्शन बी
बी माइनस ए करोगे या बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी करोगे तो आंसर नल आएगा, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है, साथ साथ वेन डायग्राम भी सीखते चलो, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम ए, अगर एक सेट है, मान लो कौन सा सेट है, ये वाला सेट है जो रेड कलर्ड पोर्शन है, ठीक है, अभी कलर नहीं करता, जस्ट लेट मी शो यू, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। तो ए माइनस बी कौन सा होगा, ए माइनस बी होगा जो ये आपका ग्रीन कलर्ड पोर्शन है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट्स को हटा दो और उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ए से उसको भी हटा दो और उसके बाद जो बचेगा वो आपका ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए ये जो आपका पोर्शन है ये बी माइनस ए होगा, फाइन, बी माइनस ए हुआ, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ये जो आपका रेडिश पोर्शन है, सॉरी येलो पोर्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब अगर वेन डायग्राम से आप समझो तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप अगर ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, इसको आप क्या करते हो, अगर आप यूनियन इन तीनों का निकालते हो तो क्या आएगा, ए यूनियन बी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है, ए और बी, ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, आप ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन, येलो वाला पोर्शन सबको प्लस कर दो तो उससे क्या निकल जाएगा, ए यूनियन बी निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पहला जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है वो क्या पता चलती है कि इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, फाइन, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद हमें ये भी पता है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, जब हमने डिफरेंसेस पढ़ा था तब हमने क्या सीखा था, भाई जो आपका ए माइनस बी होता है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसी में आप जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, ए माइनस बी निकालना है, दिस इज योर ए माइनस बी, तो पहले ए पूरा निकाल लो और उससे ए इंटरसेक्शन बी जो येलो पोर्शन है उसको माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, ए माइनस बी मिलेगा, ग्रीन ग्रीन पोर्शन, है ना। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ एन ऑफ बी माइनस ए, तो पहले क्या करो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकाल लो और उसको किससे माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी से, है ना। मतलब क्या हुआ, आपने पूरे बी के एलिमेंट्स निकाल लिया, उससे फिर ये जो येलो पोर्शन है उसको माइनस कर दिया, तो क्या मिला, बी माइनस ए, करेक्ट। अब इन्हीं तीन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। ये जो पहला आपका इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को वी कैन रीराइट, कैसे रीराइट करेंगे, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए, व्हाट वाज रिटन, माइनस बी एंड बी माइनस ए, करेक्ट, ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही लिखा हुआ था वो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैं ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पे लिखा हूँ इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आई कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, बी माइनस ए। अब हम एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हमने क्या किया, एड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ बता दिया, बी माइनस ए का फॉर्मूला बता दिया, इसको पुट कर दो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट, प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फाइन। इसके बाद क्या हुआ कि आप, आपको यहां पे क्या मिल गया, एन ऑफ ए मिल गया, एन ऑफ बी मिल गया,
ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी को आप प्लस माइनस करो तो देखो क्या मिलता है, बी आपके पास थ्री माइनस में है एंड टू प्लस में है, तो आपको क्या मिलेगा, -3n ए इंटरसेक्शन बी प्लस 2n ए इंटरसेक्शन बी, आपका आंसर क्या आ जाता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, मैंने आपको सेट के रूल्स के थ्रू आपको मैंने डिराइव करके दिखा दिया, ठीक है। सो दिस डेरिवेशन यू मस्ट अंडरस्टैंड, कुछ किया है हमने इस डेरिवेशन को समझने के लिए, बहुत सिंपल सा है कि आपको जो है पहले एन ऑफ इस ये तीनों का जो है आपको कॉमन प्लस कर देना है, फिर उसमें क्या करना है आपको, भाई आप एक एलिमेंट प्लस माइनस तो कर ही सकते हो, उस इक्वेशन में कोई चेंजेस आते नहीं है, और फिर ए माइनस बी और बी माइनस ए को इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे दिया है, इस फॉर्मूले के टर्म्स में तोड़ा है और उसके बाद जस्ट उसको सॉल्व कर दिया है, सो आई गॉट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, अगर दो सेट गिवन है ए और बी तो उसका ए यूनियन बी कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, करेक्ट। इसके बाद आता है कि मान लो इसकी जगह पे अब आपको दूसरा एक क्या दिया हुआ है कि भाई आपके पास तीन सेट है, तो तीन सेट के लिए आपके पास ए है यूनियन बी है यूनियन सी है, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हम डिराइव करते हैं, अभी मैंने पिछली बार क्या बताया ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम क्या मानते हैं कि भाई ये जो ए है ये एक सेट है, सेट नंबर वन, और बी यूनियन सी सेट नंबर टू है, ठीक है। तो ये फिर क्या हो रहा है, देखो वन यूनियन टू हो रहा है, करेक्ट। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो जो हमने अभी ड्राइव किया ये इसी फॉर्म में हो रहा है, करेक्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एन ऑफ ए, क्योंकि हमारा पहला सेट कौन सा है, एन ऑफ ए, ठीक है, पहला सेट है। दूसरा सेट क्या है, बी यूनियन सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है। और माइनस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो माइनस क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्यों क्यों, क्योंकि ये हमारा, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा पहला सेट नंबर ए है, ये सेट नंबर बी है, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको दो सेट में डिवाइड करके उसको एक्सप्रेस कर दिया, फाइन। अब देखो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते, सॉरी ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो जो हमारा लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या कहता है कि इट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फाइन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आएगा ना ये, व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने जब ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ाया था तो इंटरसेक्शन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेसिस पे हमें क्या मिल जाएगा, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसी में हमें ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसी में अगर मैं जो है क्या लगा देता हूँ आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खाली क्या कर रहे हैं, आपका जो फॉर्मूला है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अब इसको अगर हम आगे फॉरवर्ड करें इसी फॉर्मूले को, किसमें, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो हमारा क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी, करेक्ट, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस ए पूरा, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी,
ओके माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, करेक्ट. इट कैन ऑल्सो बी रीरिटन एज ए एन ऑफ ए, करेक्ट, प्लस. अब ये बी यूनियन सी को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. ये मैंने इस वाले फॉर्मूले में आपको बता दिया है, ये इसी फॉर्म में है, तो मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया है ना. अब क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, करेक्ट, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है तो ए तो कॉमन है, तो सारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा, करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक नया फॉर्मूला आता है, व्हाट इज दैट, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला आ गया. ठीक है, इस फॉर्मूले को ऑलवेज यू जस्ट रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो मैंने आपको क्या है, दो फॉर्मूला बताया है, एक अगर दो सेट है तो उनके बीच का यूनियन ए यूनियन बी, और अगर तीन सेट है ए बी सी तो उनके बीच का यूनियन अगर आपको निकालने बोलते हैं तो क्या होगा. ठीक है, सो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर दोज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वन बाय वन. ओके, सो वी विल गेट टू नो, ठीक है, कि कैसे हम जो है क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि देखो ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है. ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि भाई इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स. ठीक है, देर आर 20 टीचर्स टू टीच व्हाट, दे टीच फिजिक्स और मैथमेटिक्स. देखो यहाँ पे ना और एंड, मैंने आपको पहले बता दिया और एंड इन चीजों का बहुत सिग्निफिकेंस है. हाँ, तो प्रॉब्लम जब पढ़ रहे हो ना तो ये और एंड इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना. ठीक है, तो वो टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं. ठीक है, या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं. 12 जो है वो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं. 4 जो है वो क्या है, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, है ना. तो बोथ का मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं एंड मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, है ना. तो कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले लिखोगे गिवन, व्हाट इज गिवन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो आप पहले डिफाइन कर लो, ठीक है, कि एम डिफाइंस व्हाट, मैथ्स. ठीक है, पी डिफाइंस व्हाट, फिजिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एन ऑफ एम कितना गिवन है आपको बताओ, एन ऑफ एम गिवन है 12, करेक्ट. एन ऑफ एम यूनियन पी कितना गिवन है, तो दिस इज 20, है ना. देखो यहाँ दिया है ना, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है. ठीक है, बोथ, बोथ का मतलब एन एम इंटरसेक्शन पी गिवन है, कितना गिवन है 4, करेक्ट. और पूछ क्या रहा है, टू फाइंड, व्हाट नीड्स टू फाइंड, एन ऑफ बी, है ना, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स पूछ रहा है ना वो, हाउ मेनी टीच फिजिक्स. तो निकाल लो, कैसे निकालोगे, सो वी नोट दैट एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी. ठीक है, कैसे, हमने जो ए यूनियन बी का फॉर्मूला है उसमें पुट कर दिया, एन ऑफ एम यूनियन पी आपको गिवन है, कितना गिवन है 20, एम कितना है 12, पी आपको निकालना है, एन एम इंटरसेक्शन पी 4 गिवन है. तो सिंपल है ना, 20 माइनस 12 प्लस 4 कर दो, इट विल बी इक्वल टू पी, कितना आएगा 24 माइनस 12, सो एन ऑफ पी इज इक्वल टू 12. सो 12 ऐसे टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना. तो ये क्या हुआ, ये एक प्रॉब्लम हुआ, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आ सकता है. एक और प्रॉब्लम देखते हैं, सो एज टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे सॉल्यूशन निकालना चाहिए. इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, टोटल बता दिया, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट. सिंपल सा है, एन ऑफ सी, मैं सी ले लेता हूँ क्रिकेट के लिए, कितना बता रहा है 24 बता रहे हैं. ठीक है, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ, फुटबॉल कितने लोग कर रहे हैं, 16, एफ से मैं फुटबॉल को डिनोट कर रहा हूँ.
each student likes to play at least one of the two games, है ना? At least मतलब क्या हुआ, अब ये भी समझना है, at least मतलब और, ठीक है, कम से कम एक गेम खेल रहा है। इसका मतलब क्या है कि या तो क्रिकेट कम से कम एक गेम, मतलब क्रिकेट एक गेम में क्या आ सकता है, क्रिकेट भी आ सकता है, फुटबॉल भी आ सकता है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि कम से कम का मतलब क्या होता है कि भाई वो इसके आगे भी तो मतलब दूसरे भी तो गेम्स खेल सकते हैं ना, तो वो कौन से गेम खेल सकते हैं, वो फुटबॉल खेल सकते हैं। अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो फुटबॉल भी खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्रिकेट भी खेल सकते हैं। इसका मतलब जो एटलीस्ट है इसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे, सी यूनियन एफ, ठीक है? तो ये कितना दिया हुआ है, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले, है ना, ईच स्टूडेंट, तो कितने हैं टोटल स्टूडेंट, 35, सारे स्टूडेंट खेलना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना, यहाँ दिया ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो भाई हमें पता है, क्या पता है, एन सी यूनियन एफ क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, पुट कर लो आंसर, 35 इक्वल टू 24 प्लस 16 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। तो इसको इधर ले जाते हैं, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ क्या आ जा रहा है आंसर, 24 प्लस 16 इज 60, है ना, 34 40, सॉरी 40, 40 माइनस 35 कितना आंसर आ जाएगा, 5। एन ऑफ, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, 5 स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, करेक्ट। सो दिस इज हाउ, यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, हम पिछले प्रॉब्लम में हमें क्या पता चला था कि भाई हमें और एंड का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब बताया था क्या होता है, जब हम लोग जो है इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, एंड इंटरसेक्शन का यूज करते हैं और यूनियन का यूज करते हैं। यहाँ एक नई चीज क्या पता चली, एटलीस्ट की जब बात आती है तो यूनियन होता है। This is a new thing that we have learned from this particular problem. Let's switch to another problem. अब ये एक problem है, इसमें क्या कह रहा है कि भाई 400 students पे survey हुए हैं, survey of 400 students. तो 100 students उसमें से apple juice लेते हैं, ठीक है? तो भाई apple juice को मैं A से denote कर रहा हूँ। तो apple juice का क्या हो जाएगा, 100, ठीक है? 150 orange juice लेते हैं, तो O से denote कर रहा हूँ orange को, तो क्या आंसर आ जाएगा, 150 दिया हुआ। 75 बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज लेते हैं, मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 75, है ना। दोनों लोग भाई ऐसे हैं जिनको अकेले खाली एप्पल पीने से मजा नहीं आ रहा है या ऑरेंज पीने से मजा नहीं आ रहा है, वो क्या चाहते हैं, हम तो दोनों पियेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यू सी नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। अब नाइदर एप्पल मतलब क्या है कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट। नॉर ऑरेंज मतलब वो ऑरेंज नहीं पी रहा है ना, जब ऑरेंज नहीं पी रहा है मतलब ओ का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, करेक्ट। और नाइदर नॉर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो है बोथ की बात हो रही है। तो आपको निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट कितना आता है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे एक नई चीज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें पता चली कि जब नाइदर नॉर की बात होती है तो हमें क्या निकालना होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, डी मॉर्गन लॉ बोलता है ना, तो इसका भी मतलब वही हुआ। सो इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज दिस कि भाई ए यूनियन बी कर दो, मतलब इसमें एक्चुअली निकाल क्या रहे हैं हम लोग, इसमें ये निकाल रहे हैं कि दोनों जूस कौन नहीं पी रहा है ना, कितने बच्चे हैं जो दोनों जूस नहीं पी रहे हैं, है ना। उसको कैसे निकाल सकते हो, कितने बच्चे हैं तो दोनों जूस पी रहे हैं वो निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो जितने पी रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट नहीं पी रहे आएगा, है ना। तो यही चीज जो है ना आपको मैथमेटिकली समझनी है। तो डी मॉर्गन लॉ का यूज होता है नाइदर नॉर को, यहाँ पे समझो, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, तो अगर आपको याद होगा एक अगर यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी ये सेट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
इट कैन बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज व्हाट, यू माइनस ए यूनियन बी, है ना। जितना भी आपके ए यूनियन बी है उसको आप यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो यू कैन राइट एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, है ना। अभी एन ऑफ यू क्या है आपको गिवेन, एन ऑफ यू आपको गिवेन है 400, देखो यूनिवर्सल सेट 400 दिया है टोटल स्टूडेंट्स माइनस। अब ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको अगर याद होगा हम इसको लिख सकते हैं ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। तो यहाँ पे बी क्या है, ऑरेंज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 माइनस ए कितना है, एप्पल जूस 100 लोग ले रहे हैं और 150 लोग क्या ले रहे हैं आपका ऑरेंज जूस ले रहे हैं, और दोनों के कितने लोग ले रहे हैं 75 लोग ले रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर 225 होता है। ओके इतने लोग हैं 225 लोग दोनों जूस नहीं ले रहे। ओके तो दिस इज व्हाट द कांसेप्ट बिहाइंड योर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हमने तीन प्रॉब्लम देखे, तीनों में अलग अलग कंसेप्ट देखे हैं, इसको समझो, है ना। पहले में हमने क्या देखा और का मतलब क्या होता है, दूसरे में हमने क्या देखा कि भाई अगर मैं आपको कह देता हूँ कि नाइदर नॉर तो उसका मतलब क्या होता है, और तीसरे में हमने ये भी देखा कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। अब हम एक नया सेट ऑफ प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, तो 200 लोग ऐसे हैं ना जिनको स्किन डिसऑर्डर हो गया है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यू है ना, यू का कितना है क्वांटिटी, एन ऑफ यू क्या गिवन है यहाँ पे 200 गिवन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 200 लोग को स्किन डिसऑर्डर है जिसमें से 120 लोग ना केमिकल सीवन है उससे एक्सपोज हुए, ठीक है। तो एन ऑफ सीवन क्या गिवन है 120, ठीक है। 50 केमिकल C2 से है तो एन ऑफ C2 क्या गिवन है 50, 30 बोथ है ना, तो एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल टू 30, है ना। हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो केमिकल C1 से तो है बट C2 से नहीं है। तो अब अगर समझो C1 से है बट C2 से नहीं है, इसका मतलब वो क्या होता है, C1 माइनस C2 होता है, है ना, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालना है। तो यही आपको फॉर्मुलेशन आना चाहिए, क्या बोल रहा है, C1 से तो है बट C2 से नहीं है, C2 से नहीं है और C1 से है मतलब क्या है, C1 माइनस C2 है। अब भाई C1 माइनस C2 निकालना तो आपके लिए बहुत ईजी है, आपके पास फॉर्मूला होता है कि एन C1 माइनस C2 इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ C1 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, है ना। एन ऑफ C1 आपको गिवन है, क्या गिवन है 120 गिवन है, माइनस कर दो किसके साथ, C1 इंटरसेक्शन C2, आंसर आ जाएगा 90, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ये क्या है भाई, आपको मैंने बताया पहले भी कि भाई डिफरेंसेस जब पढ़ाया था उस क्लास में, उस वीडियो को देखो, डिफरेंस वाले वीडियो, आपको समझ में आएगा कि जब डिफरेंस कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं भाई। C1 तो C2 के साथ कुछ कॉमन भी होगा ना, तो जो कॉमन है उसको हटा दो तो केवल प्योर C1 बचेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, तो इसका मतलब क्या है, C2 माइनस C1। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एन ऑफ C1 माइनस C2 माइनस C1, तो इसको जो है सेम प्रोफॉर्मा से आप बना सकते हो। और थर्ड वाला क्या है, थर्ड पूछ रहा है आपको केमिकल C1 और केमिकल C2। मैंने और के लिए आपको एक बता दिया है कि और जब बात होती है मतलब वो क्या है, C1 यूनियन C2। C1 यूनियन C2 का फॉर्मूला आपको पता है, वो सारे वैल्यूज यहाँ दिए हुए हैं, जस्ट पुट इट एंड सॉल्व इट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या है, आपके ये प्रॉब्लम्स जो है ना, आप यू कैन बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ मैंने अभी जो प्रॉब्लम बता दिया, अब आप क्या करो कि जो आपका 1.6 एक्सरसाइज है, यू जस्ट गो एंड सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स ऑफ 1.6 एक्सरसाइज इन योर CBSE NCERT टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, ठीक है। 1.6 जो आपका एक्सरसाइज 1.6 है, वो इन्हीं प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस है उसमें, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करो, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट फॉर यू, है ना, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, देन ओनली योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर, ठीक है। तो 1.6 को आप कर लो, और उसके बाद क्या होगा, जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइजेस है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको छोड़ना नहीं है। देखो 10th तक मिसलेनियस ऑप्शनल था, 11th से मिसलेनियस को भी बनाना है, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स गेट क्लियर एंड
आप जेई और जो 11th 12th के बाद जो भी एग्जामिनेशन है उसमें बैठ बैठ सको। उसके लिए क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको 4 5 प्रॉब्लम्स बताया, आप रिफ्रेशर की बुक्स उठाओ, चाहे वो आरडी शर्मा की बुक हो, स्टैंडर्ड बुक हो, और या कोई दूसरी स्टैंडर्ड बुक हो, आप उसको उठाओ और जितने प्रॉब्लम्स बना सकते हैं बनाओ। बिकॉज ये ना देख लेने से ऐसा लगता है हाँ समझ में आ गया, लेकिन इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें जो है ना स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं कि उनको फिर ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इनको बनाओ एंड देन वी टॉक अबाउट योर मिसलेनियस प्रॉब्लम एंड एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, so till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.